हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वाई टेक न्यूज। स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। फाइनली हवावे जो है वो कमबैक कर रहा है, एक न्यू फोन जो है वो लॉन्च हो गया ऑफिशियल। तो यहां पर आपको जो हवावे है वो एक अरसे तक जो है, आप सब जानते हैं गूगल ने जो बैन लगा दिया था उसकी वजह से कोई न्यू फोन अपना लॉन्च नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जो बैन है वो हट जाएगा हवावे पे से, और हवावे ने अपना एक फोन जो है वो लॉन्च भी ऑफिशियल हो गया, लॉन्च होने वाला है। इसका नाम है हवावे Y9s। ये फोन जो है बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है, और इस फोन की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर आपको पॉपअप कैमरा मिलता है, और जो स्क्रीन है वो ऑल बॉडी स्क्रीन है जो देखने में काफी अमेजिंग लगती है। कलर इस फोन का बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, कुछ ऐसा है ये फोन। और यहाँ पर आपको बैक पे जो कैमरा सेटअप मिलता है वो देखने को बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप सब जानते हैं कि हवावे और हॉनर की डिवाइसेस अपने कैमरा की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में रहती हैं, बहुत ज्यादा फंटास्टिक कैमरे होते हैं और बहुत ही ज्यादा ऑसम और सेंसेशन कैमरे होते हैं। तो यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मोड मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। अब यहाँ पर ये आप कह रहे होंगे यार ये कैमरा सेटअप तो हमें आम आजकल मिल ही रहा है, 48 मेगापिक्सल आपको बहुत सारे सेट्स में मिल जाता है। तो यहाँ पर खास क्या है, खास ये है कि यहाँ पर आपको एक हवावे का सेंसर मिलता है। हवावे जो है आप हमेशा जो इमेज प्रोसेसिंग है उस पर काफी ज्यादा फोकस करता है, और यहाँ पर आपको बहुत ही कमाल कैमरा देखने को मिलेगा। और फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी पॉपअप वाली, तो वो भी देखने में काफी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड बात वो ये है कि यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो सिर्फ और सिर्फ किरण 710F का दिया, मतलब ये है कि पुराना प्रोसेसर दिया हुआ है। उसकी मेन वजह ये है कि जो बैन है वो उसकी वजह से ये किरण 810 को अभी यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे ही फर्दर जो है बैन टोटली हट जाएगा तो वो जो है किरण 810 की जो न्यू चिप है उसको भी यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो बैटरी है 4000 mAh मिलती है आपको, यूएसबी टाइप सी का पोर्ट मिलता है, लेकिन कोई फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती। तो ओवरऑल देखने में बहुत ही कमाल पैकेज लग रहा है हवावे Y9s। और यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर होगा वो साइड माउंटेड होगा, मतलब जो बटन है बटन के ऊपर ही फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। तो आई थिंक जो है ये फोन काफी अच्छा होगा हवावे और ऑनर लवर के लिए, क्योंकि जो कैमरा सेंट्रिक फोन लेना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छी चॉइस होगा ये। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।